पिछले पाँच सालों में हमने यही सुना था कि आपने जो पार्टियां हैं उनको तोड़ा है इन दोनों पार्टियों को इन पाँच सालों में कभी भी उद्धव ठाकरे ने सामने आकर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे या उनको ग्रूम करना चाहते थे यही समय इस बात को किसी अखबार को इंटरव्यू देते समय कहना क्या इसके पीछे का मोटिव आपको लगता है मुझे ऐसा लगता है कि पराजय के भय ने उनको इस स्थिति में लाया कि उनको आजकल हेलुसिनेशंस होते हैं इस प्रकार से उनको एक काल्पनिक इस प्रकार की चीज़ें ध्यान में आती है क्योंकि पहले तो कहते थे अमित भाई ने ट्रम्प को प्रॉमिस किया था अब कहते थे मैंने कहा था क्या होता है ना कि सच बोलने के लिए विचार नहीं करना पड़ता झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है और एक झूठ बोला तो दूसरा झूठ उसका पर्दाफाश कर ही देता है ऐसे उनके खुद के जबान से उनका पर्दाफाश हो चुका उन्हों है उन्होंने तो आपको दिल्ली तक भेज दिया आपका कौन सा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री रहेगा फाइनेंस रहेगा वो भी डिक्लेयर कर लिया तो मैंने यही कहा ना कि हार की बौखलाहट उनको हेल्यूसिनेशन दे रही है जब आप उनके साथ थे इतने साल तो कभी आपको ऐसा प्रतीत हुआ या फिर कभी उद्धव ठाकरे जी ने ऐसे आपसे बात की है या कभी ऐसा कहा है कि वो आदित्य ठाकरे को बनाना चाहते हैं या आदित्य को रेट मिला मैं लाना मैं चाहते है देखिए मैं एक बात पक्की कहता हूँ कि मेरी कुछ बातें उनसे और ये बात हुई मेरी उनसे मैंने उनको कहा कि देखिए उद्धव जी आप अल्टीमेटली आदित्य को ही पार्टी सौंप रहे हैं आपकी पार्टी को उसके हाथ में जाने वाली है तो कम से कम उसको आप चुनाव लड़ाइए क्योंकि जब तक आदमी लोगों से चुनकर नहीं आता तब तक आपको लोगों की आशाएँ आकांक्षाएं, अपेक्षाएं नहीं समझती और उसको कैसे पूरा किया जा सके उसके क्या जरिया है उसमें क्या तकलीफ़ें हैं ये सारी चीज़ें चुनकर आए से नहीं पता चलती तो मैंने ये सजेशन जरूर दिया था कि आदित्य को आप चुनाव लड़वाइए पहला ठाकरे जो है उसको चुनावी मैदान में लाने का आपने कहा था उसके बाद वो वर्ली से उन्होंने चुनाव लड़े थे लेकिन कभी कभी की बात या कभी उनके बातों में ऐसा नजर आया मैं, कि मैं, मैं एक सरकार मैं, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ क्या मैं इतना अपरिपक्व हूँ कि आदित्य का एक्सपीरियंस उनकी उम्र पहली बार चुनाव लड़ रहे ये सारी चीजें पता होते हुए भी मैं सामने वाले को ये कहूंगा कि मैं उनको मुख्यमंत्री बनाऊंगा इतनी अपरिपक्वता तो मुझ में नहीं है